गुड मॉर्निंग दोस्तों, वापस से स्वागत है आपका हमारे चैनल बंक स्ट्रीट में। मैं हूं सर बसानी। डिस्कस करेंगे आज फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, जो कि क्लास नाइन के चैप्टर का, मतलब क्लास नाइन के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। और इसके पहले हम लोग क्लास एट की हिस्ट्री को पूरी तरह से डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास नाइन को भी डिस्कस करना। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूँ उसको। मैंने जब ये किताब पढ़ा, मतलब क्योंकि मैं अभी एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो उस समय कुछ ये चैप्टर मेरे समझ में नहीं आता था। फिर और ही बाकी बहुत सारी किताब से रेफरेंसेस ले करके मैंने अभी जो चीज़ तैयार किया है वो, तो काफ़ी आप लोग को मुझे लगता है कि ये हेल्प करेगा। और बहुत आराम से मैं समझाऊंगा एक, मतलब कहानी की तरह, कि क्या हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ हर कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ज़रूरत आप लोग को ये है कि आप लोग टाइमलाइन थोड़ा देख लीजिए कि टाइमलाइन में क्या हो रहा था। तो एक बात जान लीजिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है, पहला चैप्टर भी क्यों है, ये मैं बताता हूँ। क्योंकि ये स्टार्टिंग जब हुआ ना इस चैप्टर का, तो ये एक मोनार्की द्वारा रूल किया हुआ था, एक राजा इसको रूल करता था। और अंत में भी क्या होता है कि एक राजा ही रूल कर रहा होता, मतलब पूरा एक रेवोल्यूशन जो बोलते हैं ना रेवोल्यूशन, तो इसी को रेवोल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे एक टाइमलाइन है, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, फोटो मतलब आप लिख के रख सकते हैं, जैसे आपको मन करे। काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा देखेंगे इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे, ये हो रहा है कि बोला जा रहा है कि 14 जुलाई 1789, बहुत अच्छा डेट है 1789। तो ये डेट में क्या होता है कि रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, किस चीज़ से स्टार्ट होता है, क्या इवेंट होता है। तो एक प्रिजन होता है, बहुत बड़ा फोर्ट्रेस प्रिजन, मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं किला। तो वहाँ एक नाम बैस्टिल नाम का एक प्रिजन रहता है, तो उसको क्या किया जाता है, विध्वंस कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है नॉर्मल पीपल के द्वारा। नॉर्मल पीपल का ये मानना होता है कि वो जो किला है उसके अंदर उन लोगों को गन मिलेगा, एम्यूनेशन मिलेगा, और वो लोग एम्यूनेशन की तलाश कर रहे थे, नॉर्मल पीपल कॉमन पीपल तलाश कर रहे थे। ऐसा क्यों था, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनको सुनने को ये मिला कि राजा क्या करने वाला, गोली चलवाने वाला नॉर्मल पीपल के ऊपर। अब राजा ऐसा गोली चलवाने वाला, ऐसा उनको कैसे पता चला, मतलब कैसे उन लोगों को दिमाग में आया, क्योंकि राजा अपने जो सिपाही होते हैं, मिलिट्री के लोग होते हैं, उनको कहता है कि आप आइए और मेरे जो पैलेस है उसके सामने एक दीवार बना के खड़ा हो जाइए, ठीक है। राजा को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो नॉर्मल पीपल है वो आकर के राजा के ऊपर हमला कर दे, इसलिए राजा ये बोलता है, ये बात करता है, और फिर लोग जो है इसका दूसरा मतलब निकाल लेते हैं। और किताब में भी आप देखिए, अगर फर्स्ट चैप्टर में, मतलब फर्स्ट पेज में ही दिया हुआ है, रूमर जो वर्ड है वो बोला गया है, रूमर फैला हुआ था, ठीक है, तो कोई सच्चाई नहीं थी इस बात में। तो ये एक बात है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं। ये प्रिजन ऐसा था कि ये हर किसी के द्वारा, मतलब कि कोई इसको पसंद नहीं करता था। वजह ये है कि ये जो प्रिजन है वो हमेशा एक ताकत का सिंबल था, ठीक है, राजा बहुत ताकतवर है, उसका सिंबल था ये प्रिजन, और लोगों को ये पसंद नहीं आता था। तो इसको पसंद, मतलब इसको तोड़ने का बहुत एक लेजिबल कारण मिल गया कि इसको तोड़ देना चाहिए। तोड़ने के बाद एक एक पत्थर जो मार्केट में बेच दिया गया, वहाँ पर कुछ नहीं छोड़ा गया, मतलब एक रुइंस भी होता है ना कि कहीं टूट गया, कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो वो एक मेमोरी बन चुका है बहुत पुराना का, तो वैसा कुछ है ही नहीं, वो जगह प्लेन कर दिया इस तरह से, उसको तोड़ा गया। तो काफ़ी, मतलब ये आपको पता चलेगा कि हुआ क्यों, ये सब बिगिनिंग किस वजह से, वो देखिए एक सोशल क्लास था, ठीक है, मिडिल क्लास पीपल जो बोलते हैं वो आए, ठीक है, और प्लस जो लोअर क्लास पीपल थे वो आए, वो यहाँ पे लड़े, सामने उठ के आए कि हम लोग रिवोल्ट करेंगे, और उस वजह से ये जो इवेंट है वो आता है। और ये जो रिवोल्यूशन है, इससे हम लोग लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी की आइडियाज़ है वो मिलती है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन होता है। अब हम लोग जानेंगे क्या कॉजेस थे रिवोल्यूशन के, तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसको भी डिस्कस करूँगा मैं। सोशल कॉज सबसे पहले देखेंगे 18th सेंचुरी के समय में, हम लोग देखिएगा यहाँ पे क्या था कि जो सोसाइटी है वो तीन स्टेट्स में डिवाइडेड था, मतलब तीन हिस्सा में बांटा गया था। अब किस हिसाब से देखिएगा, यहाँ पे तो काफ़ी कम दिया हुआ किताब में, मैं आपको नॉर्मली एक आइडिया देता हूँ कि जो फर्स्ट स्टेट थे, ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसको कि क्लर्जी कहा जाता है, फिर वो लोग जो चर्च से रिलेटेड है, मतलब जो धार्मिक लोग हैं ना उसको क्लर्जी कहा जाता है, तो वो लोग जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 100,000 थे पॉपुलेशन में, ठीक है, 100,000 का पॉपुलेशन था। और वो लोग क्या करते थे, फ्रांस का 10% एरिया में राज करते थे, मतलब 10% 100,000 के पास, ठीक है, ये हो गया। जो सेकेंड स्टेट था नोबिलिटी, वो लोग 400,000 का पॉपुलेशन था उनके पास, और वो लोग पूरे एरिया में 25% में राज करते थे, ठीक है, तो 25% 10% हो गया 35%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 35% बच जाता है, सॉरी 65% बच जाता है, तो 65% के ऊपर कौन राज करता है, देखिए 65% के ऊपर जो है थर्ड स्टेट राज करता है, मतलब फार्मर आर्टिशंस, राज नहीं, वो भी यहाँ पे रहते हैं, राज तो नहीं कहा जा सकता, वो लोग यहाँ पे रहते थे। और अगर आप उनकी पॉपुलेशन से देखिएगा तो वो 2.7 करोड़ था, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 95% पॉपुलेशन जो है वो इसमें था, और उनको इतना कम ज़मीन मिला हुआ था अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप आइडिया देखिएगा तो इतना कम ज़मीन मिला हुआ था, तो काफ़ी ये ख़राब बात थी उस समय के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि टैक्स का जो सिस्टम था वो काफ़ी बहुत ख़राब था, ठीक है। पहला तो ये बात है कि पहला और दूसरा स्टेट उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं था, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा नोबिलिटी जो थी ना, फर्स्ट जो सेकंड स्टेट है, उसका स्टाइल बहुत ज़्यादा लैविश था, बहुत ज़्यादा पैसा वो खर्चा करती थी। इसके अलावा थर्ड स्टेट जो है वो पूरा टैक्स के अंदर दबा जा रहा था और घुसा जा रहा था। थर्ड स्टेट के बहुत सारे टैक्स थे, यहाँ पे नाम देखिएगा आप, तिथीज था, इसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स था टैली, इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जो सामान के ऊपर लगा दिया जाता था, अगर आप वो सामान कंज्यूम कीजिएगा तो आपको उसका टैक्स जो पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत, मतलब डिविजन था काफ़ी, मैं क्या कहूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पे
क्वालिटी कुछ ख़राब हो गई है, फिर भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अच्छा कोई बात नहीं, इसका आपको PDF मिल जाएगा, इस वीडियो का आपको नीचे लिंक में आपको PDF मिल जाएगा, तो आप जाएगा वहाँ PDF से रेफ़र कर सकते हैं और फिर जो है आप चाहे तो आराम से यहाँ पे आगे नोट्स बना सकते हैं इसको देख करके। अब यहाँ पे इकोनॉमिक कॉज देखिएगा किस वजह से इकोनॉमिक बहुत बड़ा एक रीज़न बन गया कॉज। यहाँ पे देखिए डिटेल्स ये है कि जो 1700 ठीक है 1700 साल मतलब 1700 उस समय पॉपुलेशन वहाँ का 2 करोड़ था, 1789 तक आते आते 2.8 करोड़ हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि 80 लाख लोगों का मतलब इजाफा हो गया, ठीक है सॉरी हाँ 80 लाख लोगों का इजाफा हो गया। यहाँ पे अगर और डिटेल्स में जाएँ तो मतलब सिर्फ 1789 एक साल के अंदर क्या होता है कि 50 लाख लोग बढ़ जाते हैं, 23 मिलियन से 28 मिलियन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है कि फूड ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है कि अब जब इतना लोग बढ़ गया तो खाने का सामान भी होना चाहिए, और होता ये दिक्कत ही हो जाता है कि अभी तक क्या है कि बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो वर्कशॉप में एम्प्लॉयड थे, वर्कशॉप में उनको रखा जा रहा था, और होता ये था कि वर्कशॉप का क्या जो वेज है वो नहीं बढ़ाया जा रहा था, लेकिन फूड क्रॉप का जो प्राइस वो बढ़ रहा था, तो लोगों को काफ़ी गुस्सा था इसके अगेंस्ट। इसके अलावा सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ चुकी थी, मतलब ऐसा क्राइसिस जब आपको नॉर्मल जिंदगी जीवन रहने के लिए ठीक है मतलब आप जिंदा रह सकें, आपको बस खाने पीने का सामान लेने के लिए जो पैसा है वो कम पड़ जाए, आपको खाने पीने का सामान ना मिले, उसको कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो ये हो गया आ गया हमारे फ्रांस में। अब इसके अलावा देखेंगे पॉलिटिकल कॉज क्या है। देखिए पहला अच्छा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मैं आपको बता दूं कि मतलब सॉरी इकोनॉमिक कॉज में मैं जा रहा हूं, तो यहां पे क्या है कि पहला तो क्या है कि जो उस समय वॉर था ठीक है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे वॉर के बारे में, तो वॉर का जो वेज है ठीक है, वॉर का जो डेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो उसकी वजह से जो नेशनल बजट है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका था। इसके अलावा ये जो साल है ना 1789 उस समय में विंटर काफ़ी ज़्यादा हार्श था, मतलब विंटर बहुत ख़राब हो गया था, क्रॉप सब फेल हो गए थे, और मतलब क्रॉप्स जब नहीं रहेंगे तो ऑफ कोर्स और भी ज़्यादा फूड प्राइसेस जो बढ़ेंगे, और इसी वजह से गुस्सा जो है नॉर्मल पीपल के ऊपर देखने को मिल रहा था। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे मिडिल क्लास के रोल के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिल क्लास का रोल। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे एक स्लाइड जो है वो छूट चुका है, यहाँ पे एक स्लाइड क्या छूटा है कि पॉलिटिकल कॉज, ऑफकोर्स पॉलिटिकल कॉज छूट गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉज आप लोग को देखने को मिलेगा पॉलिटिकल कॉज। अब यहाँ पे देखिए ये तो किताब में दिया हुआ, मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ कि क्या क्या मतलब चीज़ जो है वो हो रहा है, ऑफकोर्स ये भी डिस्कस करूँगा, लेकिन थोड़ा पहले चलते हैं ठीक है, थोड़ा समय में पीछे चले जाते हैं। तो समय है लुई दी 14 के बारे में ठीक है, बस कहानी की तरह सुनिएगा इसको, याद तो नहीं कोई जरूरत नहीं है। लुई दिन 14 की बात है, वो 1643 में राजगद्दी अपना संभाले और वो अपने आप को पूरा एकदम एब्सोल्यूट मोनार्क मानते थे, मतलब सारा पावर उनका हाथ में, और कहीं पावर था ही नहीं, किसी कहाँ से पावर नहीं था, पूरा पावर को सेंट्रलाइज करके अपने हाथ में रखे हुए थे, और वो काफ़ी वॉर जो अपने समय में जीते ठीक है। वॉर जीतना मतलब काफ़ी प्रॉस्पेरस बात है कि आप वॉर जीत रहे हो, लेकिन उस वॉर में जो खर्चा हो रहा उसको वापस जो है वो रिपे नहीं किया जा रहा था, मतलब जो नेशनल ट्रेजरी है उससे पैसा उड़ाया जा रहा था। अब उसके बाद क्या होता है कि उनके जो बेटे हैं लुई दी 15 वो आते पावर में 1715 में, ये क्या करते हैं वो 7 ईयर वॉर लड़े फ्रांस मतलब इंग्लैंड के साथ ठीक है, और इंग्लैंड के साथ 7 साल की वॉर में क्या हुआ वो हार गए। अब पहली बात तो ये कि 7 साल का वॉर वो लड़े उसमें काफ़ी खर्चा हुआ, इसके अलावा वो उसमें हार गए तो ये और भी बहुत ख़राब बात है, इज्जत में लगने वाली बात है ये कि वो 7 साल की वॉर जो है वो हार गए। अब चलिए क्या होता है कि इंग्लैंड जो है इंग्लैंड के साथ वो लड़े, तो इंग्लैंड क्या किया देखिए अमेरिका जो थी वो उस समय इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी, तो इंग्लैंड क्या करता है कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देता है ठीक है, मतलब जो अमेरिका है वो काफ़ी ज़्यादा टैक्स में दब जाता है। जैसे हम लोग भी कहते हैं इंग्लैंड के एक कॉलोनी थी, जो भारत है वो भी इंग्लैंड का एक कॉलोनी था। अब इंग्लैंड अगर 7 ईयर वॉर लड़ा तो क्या हुआ कि वो भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया कि आप यहाँ से पैसा जो है वो वहाँ भेजिए ठीक है, तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है इंग्लैंड जो अमेरिका के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बनाती है। और इसके बाद आते हैं मुद्दे में लुई दी 16, जब लुई दी 15 जब पावर से हटते हैं तो लुई दी 16 उनके बेटे जब पावर में आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंटेंशन से आते हैं कि मैं अच्छा अच्छा काम करूँगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि उनका जो शादी हुआ मैरी एंटोनीट से वो बहुत ज़्यादा ख़राब एडवाइज़र थी, वो एडवाइस अच्छा नहीं देती थी और बहुत ज़्यादा मतलब उनका डिसीजन ख़राब हो जाता था उस वजह से। यहाँ पे कॉमन पीपल के साथ वो इंटरेक्ट नहीं करते थे और जो पैलेस अपना वर्सेलिस का पैलेस उसी में रहते थे। अब आपको याद होगा कि अमेरिका के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ इम्पोज किया गया था, अब लुई दी 16 को ये बात पता था कि हाँ अमेरिका जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो टैक्स है वो इम्पोज किया गया है ठीक है, और क्योंकि फ्रांस का एक कॉमन एनिमी था ब्रिटेन, तो अमेरिका को हेल्प करने लगे कि आप ब्रिटेन से आज़ाद हो जाइए ठीक है, ताकि मतलब फ्रांस अपना जो है मतलब एक तरह से बदला जो वो निकाल सके, तो वो अमेरिका को हेल्प करने लगे। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि अमेरिका को हेल्प करने के चक्कर में उनके पास खुद पैसा की बहुत ज़्यादा कमी हो गई और 3 बिलियन लेवर का जो डेब्ट है वो ऐड हो गया। ध्यान रखिएगा 13 अमेरिकन कॉलोनी को हेल्प किया गया था और यहाँ पे 3 बिलियन लेवर्स का जो डेब्ट है वो ऐड हो गया और ये मनी लेंडर्स 10% उसमें चार्ज करने लगे, तो 3 बिलियन लेवर्स का 10% काफ़ी ज़्यादा अमाउंट
अमाउंट हो जाता है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा अपने जो रेगुलर एक्सपेंसेस उनको मीट करने के लिए, या फिर आर्मी मेंटेन करने के लिए, कोर्ट मेंटेन करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिसर जो है उनको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा, क्योंकि अब उनको भी मेंटेन करना है तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? ऑफकोर्स जो नॉर्मल पीजेंट्स और आर्टिशंस हैं उनसे लोग टैक्स लेंगे, तो ये सब जो है वो दिक्कत बेसिक जो है वो होने लगी। इसके अलावा बात करेंगे यहाँ पे मिडिल क्लास के रोल के बारे में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है मिडिल क्लास का रोल। इसको हम लोग बेसिकली बहुत नॉर्मल सरल भाषा में इंटेलेक्चुअल कॉज ही बोलते, तो ये भी कॉज है जिसकी वजह से काम हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि 18th सेंचुरी एक ऐसा समय दिखाता है जब नॉर्मल पीपल, ठीक है, वो एजुकेटेड हो जाते हैं, पढ़ने लिखने लग जाते हैं, ठीक है, काम करने लग जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, सवाल उठाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पढ़े लिखे लोग ऑफकोर्स सवाल उठाएंगे, ये सवाल उठाते हैं कि क्या एक इंसान या एक समुदाय के लोग, उनको ये हक है कि वो दूसरे के ऊपर राज करे? उनको किसी और के ऊपर राज करने का हक किसने दिया? ये सवाल जो है नॉर्मल जो उस समय के लोग थे वो उठाने लगे, और डर उनको इस बात के लिए था कि क्या था कि पीजेंट जो लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमेशा मनी लेंडर्स के द्वारा दबे हुए होते हैं या फिर राजा के द्वारा दबे हुए होते हैं, वो लोग सवाल नहीं उठा पाते। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे वो लोग क्या थे कि ओवरसीज ट्रेड करते थे, बाहर से ट्रेड करते थे, या फिर पेड उनका जो जॉब था वो पेड था, सरकार उनको पे करती थी। ऑफकोर्स यार सरकार नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ जो वहाँ के ऑफिसर्स जो थे वो उनको पे करते थे, तो वो लोग को दिक्कत नहीं होता था पैसा कभी भी मिलने में, तो इस वजह से वो लोग और सवाल यहाँ पे उठाते गए। और इसके अलावा वो कुछ आइडियाज से भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, जो अमेरिकन रेवोल्यूशन का कुछ कुछ राइटर्स हैं यहाँ पे, नाम आप जानिएगा, जैसे जॉन लॉक है, उन्होंने एक किताब लिखी थी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या था कि जो लॉक है वो ये कोशिश किए थे कि हम लोग सवाल उठाएं कि एक इंसान को मतलब एक भी कोई भी मोनार्क को, राजा को राज करने का अधिकार किसने दिया, तो उसमें ये सवाल उठाया गया। इसके अलावा रूसीव जो है वो बहुत ही बड़े राइटर थे, और उन्होंने अपना ये आइडिया रखा था कि मतलब जो गवर्नमेंट है वो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए कि नॉर्मल पीपल और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, अगर गवर्नमेंट गलत काम करे तो नॉर्मल पीपल उनको हटा सके, जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है। इसके अलावा मोंटेस्क्यू जो है उन्होंने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ लॉज, और इसमें बताया गया था कि किस तरह से हम लोग जो पावर है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो होता है, इंसान के हाथ में पावर रहता है, उसको किस तरह से गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में बांट सके। ठीक है, लेजिस्लेटिव मतलब जो नॉर्मल गवर्नमेंट होती है, सरकार, ये सरकार आ रही है, वो सरकार जा रही है, एग्जीक्यूटिव मतलब पुलिस वाले या फिर डिफेंस के जॉब्स करते हैं वो, जुडिशरी मतलब जो जजेस होते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, तो वो सब होते हैं जुडिशरी, तो इनको इन तीनों के बीच में कैसे यहाँ पर पावर डिवाइड होता है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये लेके आए थे। आज भी भारत में सब चीज़ फॉलो होता है, तो काफ़ी मतलब आप लोग के लिए भी नॉलेज की बात है कि ये तीन जो बड़े बड़े राइटर, इनका तीन जो थॉट्स है, ऑफकोर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब याद रहने वाला है। इसके अलावा फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा कहानी है वैसे, तो ये बहुत बड़ा कहानी है तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ लंबा करके, लेकिन थोड़ा छोटा रखने की कोशिश यहाँ पे करूँगा क्योंकि किताब में उतना दिया हुआ नहीं है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे दिन था 5 मई 1789 का, इतना तो दिया हुआ नहीं डिटेल से, मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, 5 मई का बात है, मई महीना का बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, एक सुपर पार्लियामेंट बुलाया जाता है जो कि 175 साल में एक बार बुलाया जाता है, ठीक है, इनको बुलाया जाता है, और एजेंडा ये रहता है कि हम लोग को अपना टैक्स बढ़ाना है, टैक्स बढ़ाने के एजेंडे से बुलाया जाता है। यहाँ पे तीनों स्टेट था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, तीनों से लोग बुलाए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेट था मतलब जो क्लर्जी था उससे 300 लोग, सेकंड स्टेट मतलब नोबिलिटी 300 लोग, थर्ड स्टेट मतलब जो आर्टिसन पीजेंट जो कॉमन पीपल थे उसमें से 600 लोग बुलाया गया, और उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे वो नेकर थे। यहाँ पे क्या होता है कि दिक्कत ये हो जाता है, यहाँ पे एक डेडलॉक लग जाता है। डेडलॉक क्या लग जाता है, यहाँ पे जो सरकार होती है फिर जो नोबिलिटी है वो ये चाहती है कि हर एक स्टेट के पास एक वोटिंग राइट हो, मतलब हर एक स्टेट मिला करके एक वोट हो, जो कि किसी को पसंद नहीं आता, मतलब किसी को नहीं, यहाँ पे तो नोबिलिटी का क्लर्जी को पसंद में आएगा, लेकिन जो थर्ड स्टेट थे उनको पसंद नहीं आता, उनका ये कहना रहता नहीं, हर इंसान का एक वोट यहाँ पे होना चाहिए। और इस वजह से क्या होता है, इन लोगों के बीच में हो जाता है झड़ंत। लास्टली ये होता है कि जो थर्ड स्टेट है वो वहाँ से गेट से बाहर निकलती है, गेट को बाहर से ताला लगाती है, वो लोग जाती है टेनिस कोर्ट, वहाँ पे टेनिस कोर्ट ओथ होता है, जो कि आप लोगों की किताब में फोटो बहुत बड़ा बड़ा करके दिया हुआ है, काफ़ी खूबसूरत है। और वो लोग ये मतलब फैसला लेते हैं कि हम लोग जब तब तक नहीं टूटेंगे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, और लास्टली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बन जाता है। यहाँ पे ये होता है, अब आगे देखिएगा, यहाँ पे एक और डिटेल्स है कि जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो मुद्दा था वो कौन आगे लेके बढ़ते थे, एक मिराबियू जो कि एक नोबिलिटी से एक इंसान थे, इसके अलावा एबेसाइस जो कि एक प्रिस्ट थे, मतलब नोबिलिटी और क्लर्जी दोनों से ही यहाँ पे लोग थे जो कि हेल्प कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे थर्ड स्टेट का कि वो लोग आगे बढ़ करके यहाँ पे आ सके। ठीक है, लास्टली क्या होता है कि जून 1789 की बात है, यहाँ पे क्या होता है कि मतलब टोटल ये होता है कि जो गुस्सा, जो लोगों के बीच में जो गुस्सा रहता है ना वो बाहर आता है। ठीक है, हर कोई फूट के बाहर आ जाता है, और यहाँ पे जो नॉर्मल जो उनका लैंड होल्डर थे ना, फ्यूडल लॉर्ड्स जो थे, जैसे कि मनी लेंडर्स थे, उन लोग को लोग मारने लग जाते हैं। ठीक है, ग्रेनेड लूटने लग जाते हैं, और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं, इस समय वो ग्रेट फियर कहते हैं। डिटेल्स नहीं दिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है कि पेरिस जो है मतलब जो फ्रांस का जो कैपिटल है, वहाँ पे पूरा रायट लग जाता है, वहाँ पे पूरा मार धाड़ चालू हो जाता है, और किंग
के अगेंस्ट सब लोग काम करना यहाँ पे चालू कर देता है, लॉ एंड ऑर्डर टूट जाता है, रेवोल्यूशनरी स्पिरिट सबके माथे में यहाँ पे चढ़ जाता है। इसके बाद क्या होता है कि मतलब जो वर्सलिस के पैलेस है उसके बाहर क्या होता है कि लुई द 16 बोलते हैं मिलिट्री आ जाए। अब आपको याद आ रहा हो थोड़ा थोड़ा कि हाँ भाई लुई द 16 मिलिट्री को बाहर आने क्यों बोला, क्योंकि वो खुद को बचाना चाहते थे। लेकिन जुलाई की महीना 1789 में क्या होता है कि लोग गुस्सा हो जाते हैं, 14 जुलाई में क्या करते हैं वो लोग, जो बैस्टिल है उसको तोड़ देते हैं। तो ये यहाँ से बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग हुआ। अब क्या होता है कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब क्या होता है कि नया नेशनल असेंबली बनता है और बेसिकली वो लोग क्या करते हैं कि नेशनल असेंबली बनाते हैं और वो फ्यूडलिज्म हटा देते हैं, यूनिफॉर्म टैक्स सबके लिए लगा देते हैं। नोबल को बोलता है कि यार आप लोग अपना छोड़ दिए, बहुत सारे नोबल तो छोड़ के भाग जाते हैं, ऐसा होता है। नोबल को वहाँ पे पावर छोड़ देने बोला जाता है। क्लर्जी जो थे मतलब जो चर्च के लोग थे उसमें से एक तिहाई लोग को यहाँ पे सिविल ऑफिसर्स बना दिया जाता है। और नॉर्मली जो क्लर्जी के जो सबसे हेड होते हैं ना वो काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं इस वजह से कि यार ऐसा मतलब क्यों हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक काफ़ी अच्छा डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया जाता है जिसको कि बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अब मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ, ये दिया हुआ नहीं है कि भाई मतलब किताब में, मैं बता देता हूँ कि तीन डॉक्यूमेंट से मिला के बनाया गया था। मैग्ना कार्टा जो कि इंग्लैंड का है, बिल ऑफ राइट्स जो कि यूएसए का था, और जो नेशनल जो वर्ल्ड वाइड ह्यूमन राइट्स के लिए जो भी डॉक्यूमेंट था उसको मिला करके यहाँ पे इसको बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस सोशल मोनार्की बन जाता है, यही मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया। यहाँ पे क्या हुआ देखिए, मैं बेसिकली बना दे रहा हूँ, बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पावर है उसको इस तरह से बांटा जाता है कि राजा के हाथ में कुछ पावर रहे और कुछ पावर जो है वो जुडिशियरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के हाथ में जो है वो बटा रहे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन 1791 का है वो पावर देता है कि नेशनल असेंबली यहाँ पे लॉज बना सके। और यहाँ पे देखिए एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन का यहाँ पे आप लोग को पता चलेगा कि एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन क्या होता है। तो यहाँ पे एक्टिव सिटीजन वो सिटीजन होते हैं जो कि 50 साल से अबव हो, मेन हो, ऑफ कोर्स एक मर्द होना चाहिए, इसके अलावा अपना जो पूरा महीने का जो लेबर कमाते हैं उसमें से 3 दिन का लेबर जो है वो उनको देना पड़ता है एज मतलब बोला जा सकता है कि एज टैक्स उनको पे करना पड़ेगा 3 महीने का लेबर। तो वो एक यहाँ पे क्राइटेरिया था कि 3 दिन का लेबर 1 महीना में आपको पे करना है तो आपको वो टैक्स तेरा माना जाएगा, आपको एक्टिव सिटीजन माना जाएगा। यहाँ पे मुद्दा ये हो गया था कि यहाँ पे बेसिकली वुमेन जो है वुमेन को यहाँ पे नहीं बनाया गया, वुमेन को यहाँ पे दिया ही नहीं गया कोई भी एक मतलब राइट एक एक्टिव सिटीजन का, कमाओ ना कमाओ वुमेन को राइट नहीं मिला। इसके अलावा यही समय है, देखिए वुमेन एक रेवोल्यूशन का भी एक छोटा सा टॉपिक है जो कि लास्ट में है, ठीक है, तो मैंने उसको लास्ट स्लाइड में ही रखा है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को ध्यान में रहे तो यहाँ पे देखिए अक्टूबर के महीने में, अब जाके इस साल के अक्टूबर के महीने में ये स्टार्ट होता है कि वुमेन क्या करती है अपना मार्च करती है वर्सलिस तक। तो एक अलग वुमेन रेवोल्यूशन का जो टॉपिक है वो लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, काफ़ी एक बहुत बढ़िया चीज़ है, वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, राइट जो था वो बस उन्हीं लोग को दिया था जो लोग मतलब टैक्स दे रहे हैं यहाँ पे, जो कि एक्टिव सिटीजन है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको दे रहा था, तो वुमेन को कोई भी पावर हाथ में उनको नहीं मिला हुआ था, मतलब वुमेन के हाथ में कोई पावर नहीं है। अब इसके बाद बात करेंगे कुछ ऐसे सिंबल्स हैं जो कि यूज़ किया जा रहा था पॉलिटिकली इलिटरेट पीपल के द्वारा। तो यहाँ पे क्या कि सिंबल से देखिए किताब में ये सब है, ब्रोकन चेन जो कि बिकमिंग फ्री का एक सिंबल है, इसके अलावा बंडल ऑफ रॉड और फेसेस जो कि ये दिखाता है कि हम लोग मतलब एकता में ही ताकत है वो दिखाता है। इसके अलावा आई विद इन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट ये शो करता है कि हाँ एक ऐसा ताकत है, जैसे हम लोग बोलते हैं भगवान हर किसी को देख रहा है, तो उस तरह से कुछ ये जो वो शो करता है। एक स्केप्टर है जो कि रॉयल पावर का सिंबल जो वो शो करता है। इसके अलावा स्नेक खुद का जो पूंछ है वो काट रहा है, ऐसा एक फोटो है, वो ये शो करता है कि कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा के लिए नहीं चलता है, तो उसका अंत होना ये कभी ना कभी वो अंत में आएगा ही, ठीक है। इसके अलावा एक रेड फायर गन कैप है, वो ये शो करता है कि एक स्लेव जब फ्री होता था वो जो टोपी पहनता ना वही रेड फायर गन कैप होता है, तो वो ये शो करता है कि हाँ एक स्लेव जो वो फ्री हो चुका है। इसके अलावा ब्लू वाइट रेड जो कि नेशनल कलर है फ्रांस का। इसके अलावा एक विंग्ड वुमन जो कि लॉ को पर्सनिफाई करता है, जैसे भारत में क्या होता है कि एक औरत है जो कि आंख में काला पट्टा पहनी हुई है और हाथ में तराजू रखी हुई, तो वो भारत में पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ है। वैसे ही मतलब विंग्ड वुमन है जो कि फ्रांस में पर्सनिफिकेशन ऑफ लॉ है। इसके अलावा लॉ टैबलेट जो है हम लोग भारत का संविधान है, वैसे जैसे प्रियम्बल कह सकते थे, ये लॉ एक टैबलेट है जिसमें बहुत सारे लॉज लिखे हैं और वो ये दर्शाता है कि हर कोई लॉ के सामने सेम है। अब यहाँ पे इसके आगे बढ़ेंगे, फ्रांस जो है मोनार्की अबॉलिश करता है, खुद एक रिपब्लिक बन जाता है। अब यहाँ पे होता ये है देखिए, मोनार्की अबॉलिश कर देना मतलब राजा को हटा देना। राजा क्यों हट जाता है, क्योंकि राजा क्या करता है ना, ऑस्ट्रिया जो यहाँ की उनकी वाइफ है और प्रशिया, उनसे कुछ सीक्रेट नेगोशिएशंस कर लेता है कि आप लोग आइए और अपना मिलिट्री भेजिए, हमको वापस किसी तरह पावर में वापस चढ़ाइए, ठीक है।
दिक्कत ये हो जाता है कि लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ ऐसा कुछ जो है वो होने वाला है, मतलब ऐसा हुआ है। तो इस वजह से क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि लोग डरें, डरने के अलावा क्या होता है, मतलब लोग को डरना चाहिए था लेकिन लोग डरते नहीं हैं। यहाँ पे नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है वो ये कह देती है कि नहीं हम लोग लड़ेंगे, हम लोग वॉर करेंगे, तो वॉर स्टार्ट हो जाता है। और इसमें देखिए जो बगल की कंट्रीज थे ना वो ऐसे मुंह उठा के नहीं आ गए थे, उनका भी स्वार्थ था, वो लोग आते यहाँ पे लड़ते तो उनको मतलब ये दिमाग में था ना कि चलिए अगर हम लोग वापस से फ्रांस के राजा को पावर दिला देंगे तो क्या होगा कि हम लोग की जो जनता है, मतलब वहाँ की जो कंट्रीज की जनता है, वो हमेशा ये सोचेगी कि नहीं डर के रहना चाहिए। लेकिन अगर फ्रांस में राजा नहीं रहता तो हमारी जनता भी कल के दिन ये डिमांड करेगी कि नहीं राजा को हटाओ, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाओ। तो इसी वजह डर के वजह से वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बगल देश मतलब फ्रांस में क्या करते हैं, हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई चालू हो जाती है। यहाँ पे पैट्रियोटिक सॉन्ग है ला मार्सली, तो वो रॉजर डी लेज जो है वो लिखे हैं। और वो सबसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जो वहाँ पे जो ये थे लड़ाकू थे या फिर यूँ कहूँ कि वहाँ की जो आर्मी थी वो जब लड़ने गई थी तो वो गा रहे थे, बाद में इसको जो वहाँ के नेशनल सॉन्ग है वो बना दिया जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें जो वॉर है वो काफ़ी लॉस लेके आया, डिफ़िकल्टी हुआ पीपल को यहाँ पे रहने में। जो 1781 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो रिच पीपल को सिर्फ पावर दिया हुआ था, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब देखिए ऑफकोर्स ये होता है कि अगर रिच पीपल को पावर मिले तो जो गरीब लोग थे उनको तो पावर नहीं मिला, तो वो गरीब लोग भी अब डिमांड करेंगे नहीं हम लोग को पावर चाहिए। तो उसकी वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल क्लब्स फॉर्म हो गया, और उसमें सबसे बड़ा क्लब जो था वो था जैकोबिन्स क्लब। इसके अलावा एक जेरोंडियंस क्लब भी है, उसका भी थोड़ा सा यहाँ पे रोल है, उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया लेकिन जेरोंडियंस क्लब का रोल है उसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक वुमेन का भी क्लब है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा कि एक वुमेन क्लब है जिसका नाम सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिक वुमेन। इसको बैन कर दिया था जैसे जेरोंडियंस जो है या फिर जैसे ये बोल के जैकोबिन्स जो है वो पावर में आती है। अब देखते हैं पावर में कैसे आती है ये। तो यहाँ पे होता ही है कि जब राजा को हटाया जाता है तो फिर से इलेक्शंस होते हैं तो क्या होता है, जैकोबिन्स क्लब का जो मेन मेंबर्स थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो वहाँ पे जो सबसे उच्च बोला जा सकते हैं वहाँ जो लीडर थे उनको बना दिया जाता है यहाँ पे सबसे हेड का, मतलब एक इंसान जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो है वो इनको बना दिया जाता है। अब जैसे ये बनते हैं ये काफ़ी खतरनाक, इसको कन्वेक्शन कहा जाता है वैसे, बेसिकली इलेक्शन के बाद जो सरकार बनी उनको कन्वेक्शन कहा जाता है, और वो काफ़ी खतरनाक एक तरह से सरकार बन गया थी, ठीक है। यहाँ पे बन जाता है रेन ऑफ टेरर। देखिए एक साल का समय, जैसे ही वो राजा बनते हैं तो 1793 की बात है, वो राजा जैसे ही वहाँ पे पावर में आते हैं, राजा तो नहीं बोल सकते उनको, जैसे पावर में आते हैं वो क्या करते हैं कि रेन ऑफ टेरर लेके आते हैं, मतलब क्या कि सीवियर कंट्रोल ऑफ पनिशमेंट जो अगेंस्ट जाए, ठीक है, जो भी यहाँ पे बगावत करे उनका गला काट देना, ठीक है। गिलोटिन मशीन एक होता था, आप लोग किताब में भी दिया हुआ है, अगर मैं आपको बताऊं तो टॉम एंड जेरी आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, तो देखिएगा एक ऐसा मशीन था जिसमें ब्लेड ऊंचाई से गिरता था, सीधे गर्दन पे गिरता था, गर्दन कट जाता था, तो वो था गिलोटिन मशीन। और उससे मतलब उसको यूज़ किया जाता था यहाँ पे लोगों को मारने के लिए। और कोई भी एक इंसान जो कि एनिमी की तरह दर्शाए खुद को कि मैं एनिमी हूँ इस क्लब का या फिर फ्रांस का, तो उसको मार देना है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करेगा, तो ये डिसाइड करेगा कोर्ट, और कोर्ट पे टोटल पावर जो था वो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का था, मतलब बेसिकली मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर यहाँ पे डिसाइड करेंगे और इंसान का गर्दन जो है वो कटने वाला है। और ये बात ये हो गई ना कि जो खुद के जो मेंबर्स थे वही बोल रहे हैं नहीं भाई ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो होने लगा ये रहा कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो है वो खुद के पार्टी के मेंबर का ही गला कटवाने लगे, तो इस वजह से क्या हुआ इनका पार्टी जो है वो धीरे धीरे पावर से कम होने लगी। और जो एक और जो मैसेज जैसे कि मैंने बताया वो जेरोंडियंस नाम का एक जो क्लब था वो धीरे धीरे पावर में आने लगा। जैसे जेरोंडियंस पावर में आता है वो क्या करते हैं कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को बोलते हैं कि नहीं भैया अपना सामान समेटिए और चलते बनिए, और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर का ही गला लास्ट में काट दिया जाता है। यही था एक, देखिए अब टाइमलाइन में एक छोटा सा पार्ट था एग्जीक्यूशन ऑफ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, तो ये पार्ट उस समय होता है कि गला उनका जो है वो काट दिया जाता है, ठीक है। मैक्सिमिलियन रेन ऑफ टेरर में एक और चीज़ होता है यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है वो ये कि मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया था, मतलब ये होता था कि मीट और जो ब्रेड है अब उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, वो पैसा लगेगा जो कि सरकार डिसाइड करेगी, मतलब अगर आप लोग को 10 करोड़ भी लग रहा है ना मीट बनाने में तो सरकार अगर आपको बोली कि 1 रुपये में बेचना तो आपको लास्ट मिनली उसको 1 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो मीट और ब्रेड को राशन कर दिया गया था, तो ये काफ़ी ख़राब था। इसके अलावा यहाँ पे एक और पॉइंट नहीं दिया है वो ये है कि वुमेन का जितना भी पॉलिटिकल क्लब था सबको बैन कर दिया गया था, वो किताब में भी नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे शायद इसलिए नहीं दिया हुआ, तो ठीक है कोई बात नहीं यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब लास्टली क्या था, डायरेक्टरी जो फ्रांस को रूल करती है, डायरेक्टरी क्या था, अब क्या किया था कि जो लेजिस्लेचर था उसको दो हिस्सा में बांट दिया था, ठीक है। एक में जो पॉपुलरली इलेक्टेड मेंबर्स थे, मतलब जो भी नॉर्मल पीपल इलेक्ट करते थे, इसके अलावा एक और ग्रुप था जहाँ पे 5 लोग थे, और 5 लोग को इसलिए बैठाया गया था ताकि एक राजा ना रहे, कोई एक सुप्रीम लीडर ना रहे, ताकि वो जो डिसीजन चाहे वो ले सके, 5 लोग रहें ताकि कोई गलत काम ना हो। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि वो 5 लोग आपस में ही लड़ने लग जाते थे, अधिकतर समय वो लोग आपस में लड़ने लग जाते थे, और इसी समय क्या जो मिलिट्री डिक्टेटर थे
नेपोलियन बोनापार्ट वो आ जाते, पावर में मिलिट्री आ जाती है, बोलती नहीं भाई आपसे तो चलेगा नहीं, यहाँ का फ्रांस तो चलने नहीं वाला आपसे, चीज़ें समेटिए, तो उनको हटा देते हैं और मिलिट्री जो पावर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का वो आ जाती है, मिलिट्री कू हो जाता है बेसिकली, इसको मिलिट्री कू बोलते हैं, आप लोग आगे पढ़िएगा तो इसमें आपको बता देता हूँ ये टर्म मिलिट्री कू बोलते हैं इसको, और CUP स्पेलिंग होता है तो कूप मत पढ़िएगा, मिलिट्री कू होता है, ठीक है। तो ये होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, तो इसी वजह से यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट जो पावर में आते हैं। अब रेवोल्यूशन ऑफ वुमेन के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, तो वुमेन क्या थी, जब रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट थी और वो लोग चाहती थी कि नहीं हम लोग यहाँ पे मतलब पार्टिसिपेट करें और आगे बढ़े, ठीक है। बहुत सारी ऐसी वुमेन जो कि काम करती थी, थर्ड स्टेट की जो काम करती थी, घर चलाती थी, यहाँ पे सीमस्ट्रेस की तरह काम करती थी, लॉन्ड्रेस की तरह काम करती थी, फ्लावर बेचती थी, फ्रूट बेचती थी, वेजिटेबल बेचती थी, और लास्टली घर में आके फैमिली और बच्चे को भी पालती थी। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन बनता है वो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहती है, यार ये कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, वुमेन को कोई पावर ही नहीं दिया गया। जो गवर्नमेंट आती है वो ये कोशिश करती है कि वुमेन को कुछ कुछ चीज़ अच्छी किया जाए, जैसे कि जो कंपलसरी एजुकेशन फॉर वुमेन चाइल्ड गर्ल तो वो कंपलसरी कर दिया गया, इसके अलावा जो डाइवोर्स है उसको लीगल कर दिया गया, और कोई भी अपना जैसे हमको शादी नहीं करना, कोई वुमेन अगर शादी मैं शादी नहीं करूँ तुमका शादी नहीं होगी जब तक वो नहीं चाहेंगी, तो इस तरह का बहुत सारे जो लॉज है वो लेके आए, लेकिन कोई भी ऐसा बड़ा जो है वुमेन की तरफ यहाँ पे इंक्लिनेशन देखने को नहीं मिला, ठीक है। रेन ऑफ टेरर में चलिए मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि रेन ऑफ टेरर में कोई भी वुमेन का जो पॉलिटिकल क्लब था उसको बैन कर दिया गया था, ठीक है। अब जानेंगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के बारे में, तो स्लेव ट्रेड जो है वो 17वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, तीन कॉलोनीज का यहाँ पे नाम दिया हुआ है, कैरेबियन मार्टिनिक्यू, गोंडलोप और सैन डोमिनिगो। तो ये तीन कॉलोनीज है जो कि क्या करती थी, खुद में कॉमोडिटीज़ थी, कुछ कुछ इंडिगो टाइप की कॉमोडिटीज़, तो उसको सप्लाई करती थी, ट्रांसपोर्ट करती थी, ठीक है। अब जब वो सप्लाईज करेंगी तो क्या होगा कि उन लोग को इंडिगो, टोबैको, शुगर, तो इस तरह का कॉमोडिटीज़ जब बनता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं काम करने के लिए। अब ये लोग का जो सप्लाई है वो कौन पूरा करेगा, तो ये लोग का जो सप्लाई है वो लोकल चिफ्टेंस जो है वो पूरा कर देते हैं। अब लोकल चिफ्टेंस के पास आता कहाँ से था ये स्लेव, तो ये जो तीन कॉन्टिनेंट्स हमें बोल सकते हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, तो ये लोग तीनों मिलकर के यहाँ पे क्या करते हैं, स्लेव का जो पूरा जो डिमांड होता है वो पूरा करते थे। स्लेव को टाइटली पैक किया जाता था, ये मत सोचिएगा कि स्लेव को बांध कर कहीं कोना में रख दिया, ऐसा नहीं था। बड़ा बड़ा कार्टून या फिर ये कहूँ कि बड़ा बड़ा बहुत बड़ा बड़ा बक्सा में स्लेव को पैक किया जाता था, रस्सी से बांध करके एक के ऊपर एक फेंक करके उनको पैक किया जाता था। लगभग 3 महीने का उनको लॉन्ग योगेज था, अटलांटिक से कैरेबियन को जाना रहता था, तब जाकर वो प्लांटेशन ओनर्स के पास पहुँचते थे, बस जिंदा रहने लायक खाना खा करके वो लोग वहाँ पे जाके काम करते थे। जो नेशनल असेंबली बनती है बहुत जब नेशनल असेंबली बन जाती है वो काफ़ी समय तक ये डिबेट डिस्कस करते रहती है कि नहीं मतलब ये जो अगर ऐसा ही है कि हर किसी को ये पावर मिलना चाहिए, हर किसी को इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, तो जब फ्रांस का अगर वो स्लेव है तो उसको भी उतना ही राइट मिलना चाहिए, ये सब बात होता है, डिबेट होता है, लेकिन कोई भी बड़ा यहाँ पे डिसीजन नहीं आता। इसी वजह से नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे डर रहता है जो नेशनल असेंबली रहती है उनको कि अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी लॉ लेके आते तो जो बिजनेसमैन है, स्लेव बिजनेसमैन ऑफकोर्स बहुत पावरफुल लोग होते थे, तो उन लोग से डरती थी यहाँ पे जो नॉर्मल जो असेंबली थी, इसी वजह से कोई बहुत बड़ा यहाँ पर डिसीजन नहीं उठ के आया। लास्टली जो स्लेवरी है वो अबलिश हो गया 1848 में, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जानेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में IIT का खुद को क्राउन किए और वो क्या करते थे फिर आते के साथ आसपास के कंट्री आसपास का जो एरिया था वो उसको कैप्चर करने लगे, लड़ने लगे, जीतने लगे और खुद के फैमिली मेम्बर्स को वहाँ पर प्लेस करने लगे ताकि वहाँ वापस फिर से वो हार ना जाएं। बहुत लोग ये सोच देखते थे कि वो बहुत बड़े लिबरेटर है, वो हमेशा से मतलब ये चाहें कि जो भला हो लोगों का, वहाँ के जो लोग हैं वो लोग किसी तरह मतलब जो भी अभी तक जो दुख दर्द झेले हैं तो उससे निकल सके। बहुत लोग ये भी देखते थे कि नहीं यार ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो क्या करते कि दूसरे कंट्रीज में जाकर वहाँ पे हड़प लेते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं उनको कष्ट देते हैं, तो बहुत इस तरह से भी ये लोग देखते थे, ठीक है। वो जो बहुत वो खुद को एक तरह से मॉडर्नाइजर देखते थे यूरोप का, ठीक है, और ऐसी बात नहीं को देखते थे, वो काफ़ी अच्छा काम भी किए, जैसे कि प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ था उसको प्रोटेक्ट करने का जो लॉज था वो यही लेके आए थे। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट, मतलब वेट जो है वो हर जगह सेम हो, इसका जो सिस्टम है वही लेके आया था, ऐसा नहीं था कि मतलब देखिए पहले क्या होता था ना कि सपोज करिए नॉर्थ इंडिया में अलग वेट चलता है, 1 किलो का माप अलग है और साउथ इंडिया में 1 किलो का माप अलग है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया से साउथ के लिए आता है, सॉरी नॉर्थ इंडिया से कोई साउथ इंडिया जा रहा है तो उसका 1 किलो साउथ इंडिया में आ गया 500 ग्राम हो गया। तो इस तरह का मतलब जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व किया यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट आकर। इसके अलावा जो डेसिमल सिस्टम था मतलब पॉइंट्स का सिस्टम वो नेपोलियन बोनापार्ट लेके आए थे। लास्टली क्या होता है कि वो डिफीट कर जाता है वाटरलू में 1815 में, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा समय तक नहीं, 11 साल यहाँ पे वो आए पावर में रहे, काफ़ी अच्छा काम भी किया। यहाँ पे लेगेसी देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन, मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन से हम लोग को क्या मिला, तो यहाँ पे देखिएगा कुछ आइडियाज़ है, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स, इस तरह का जो आइडियाज़ है वो हम लोग को मिला और पूरा यूरोप को ये मिला। और लास्टली क्या होता है कि हर जगह जो फ्यूडल सिस्टम था मतलब जो रजवाड़ा लोग का सिस्टम था वो हट जाता है, कॉलोनाइज पीपल खुद से लड़ने की कोशिश करती है और यहाँ पे खुद बहुत सारा स्टेट्स बन के आया उस समय, लड़ लड़ के लोग खुद को आज़ाद करने लगे उस सब देख करके, फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख करके। और भारत में अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ऐसे तो एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्ड किए फ्रेंच रिवोल्यूशन के आइडियाज़ को और उसको अपनाए और लास्ट में भारत भी देखिए आज़ाद होकर बहुत बढ़िया कंट्री बन गया। तो देखिए अब आपको समझ में आया कि फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है, क्योंकि देखिए कितना इतिहास इतना बड़ा है यहाँ पे और उसका कितना छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से आज का जो करेंट जो एटमोसफियर है हम लोग जान रहे थे वो किस तरह से डिज़ाइन हुआ है। तो आई सपोज़ कि ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आगे भी, मतलब अगर आप जब तैयारी कीजिएगा आगे एग्ज़ाम्स के SSC या फिर और हाई एजुकेशन के लिए जब तैयारी कीजिएगा या फिर आप कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिएगा, जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन आता है प्रोवर्ल्ड हिस्ट्री में वो मतलब बोल सकते हैं कि 50% का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आता है फ्रेंच रिवोल्यूशन से, कुछ रशियन रिवोल्यूशन से भी आता है जो कि सेकंड चैप्टर है जिससे सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवोल्यूशन है तो उससे आएगा। तो वो आप बाद में जब सेकंड चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आप तब आप देख लीजिएगा। और इसके साथ आज का वीडियो हो चुका खत्म, रखो वीडियो पसंद आया तो वीडियो आप लाइक कर दीजिए और बताइएगा कि क्या अच्छा किया सकता है वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म हो चुका है, तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।